हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज है खिचड़ी 15 तारीख। 15 तारीख देखिए, स्वर्ग से सुंदर मेरा गांव कितना अच्छा। ये छत पे मोर बैठा था तो यश लक्की ने बुलाया, मम्मी देखो मोर है, बोल भी रहा था। तो मैं जब बनाने गई ना तो ये उड़ने लगा, तो मैंने अच्छा सा बना लिया। और देखिए सुबह सुबह का ये हाल है हमारे। और बज रहा है 6 बज रहा है, और ये दोनों नहाने के लिए, मम्मी नहला दो नहला दो सुबह, क्योंकि कंपटीशन होता है सारे, मतलब हम लोग का बड़ा परिवार है तो कंपटीशन होता है कि कौन पहले नहाएगा। तो ये लोग नहा चुके, नहा धो के मैं तो घूमने लोग चले गए और मैं तैयार। सारी शुभकामनाएं, तो बोलना ही नहीं आता है, तो भोजपुरी भाषा में हैप्पी खिचड़ी आप सभी को, पूरे परिवार को। और हम कैसे लग रहे हैं, ये मेरा मांग टीका, और हम कैसे लग रहे हैं, और ये मेरा मांग टीका है बहुत सुंदर। और इतनी मैं पतली हो गई हूँ, इतनी पतली हो गई हूँ कि साड़ी में एकदम मस्त झक्कास लग रही हूँ। और देखा बताइएगा कैसे लग रही हूँ। और इधर सारी सब्जी रखी हुई है, क्योंकि आज बनेगा 5 दाल वाली खिचड़ी। बहुत ही 5 तरह का दाल हम लोग यहाँ पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने गैस ऑन किया और कुकर रखा, दाल को मैंने धोया, कुकर में डाला, पानी डाला, उसके बाद नमक, हल्दी, और मैं ढक्कन लगाने जा रही थी तो दिमाग मारे अभी पालक डालना है, तो पालक मैं झट से डाली। और पालक डालने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा दी, और ये सारी सब्जी इसमें पड़ेगा। देखिए 5 तरह का सब्जी भी है, और मैं तो पागल हो गई हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। और सीटी 2-3 सीटी मैंने दिलाई, क्योंकि दाल को गलाना नहीं है पूरी तरह से, बस 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 ये सब मसाला है, सब मसाला मैं पीसूंगी सील पे रगड़ रगड़ के, क्योंकि रगड़ने से ना इसका जो स्वाद होता है ना और बढ़ जाता है। तो कितने लोग मिक्सर में पीसते हैं, तो हम सील पे पीसते हैं, क्योंकि लाइट तो हमारी रहती नहीं है। और ये हमारी दाल देखिए ना कितना अच्छा हो गया, और मसाला पीस गया, उसमें हल्दी, ये गर्म मसाला डालूंगी, और इसको मैं आराम करने के लिए रख दूंगी, खिल जाने के लिए, कि खिल जाएगा तो इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। और फिर तेल गरम किया, तेज पत्ता और प्याज मिर्चा, और ये फूल गोभी जो है इसको मैं तलूंगी थोड़ी देर तक, इसको जब ब्राउन हो जाएगा तो मैं निकाल लूंगी। सब मैं निकाल लिया, उसके बाद फिर मैं जो बची सब्जी थी वो डाल दूंगी, मटर छोड़ के, मटर नहीं डालूंगी क्योंकि नरम है, नरम लोग को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, साफ दिल वालों को, तो उसको मैं बाद में, क्योंकि बहुत दया रही थी, मेरी सब्जी भी भून चुका है तो मैं निकाली। और तेल थोड़ा कम हो गया तो आप थोड़ा और तेल डाल लीजिए, ये पचफोरन है, उसके बाद जीरा डालूंगी, पचफोरन में सब कुछ आता है, आप लोग जानते हो, गिनने लगूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पचफोरन चटक गया, मसाला में डाली, और ये कटा हुआ फूल जैसे बड़ा टमाटर, तो मैं फूल जैसे उसको काट दी, बड़ा अच्छा दिख रहा था, तो मैं सोची नहीं मुझे काटना नहीं है, टुकड़ा नहीं करना है इसको। तो फिर उसके बाद जो कटोरे में मसाला लगा था, मैं उसको मैं डाल पानी लगा कर थोड़ा डाल दी, थोड़ा भून जाएगा, उसके बाद मटर डाली, क्योंकि अब मटर डालूंगी तो गलेगा नहीं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे मैं भून रही हूँ, और कोई आ गया तो उनसे बातें भी कर रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। और ये सब्जी डाली, इसको सब्जी को भी भूना, थोड़ा उसके साथ मसाला में मिक्स कर दिया, क्योंकि मिलजुल के रहना ही बहुत अच्छा होता है। और ये मिल गया सब, तो चावल मैं डाल रही हूँ, और मैं दिमाग में कर रही, धनिया तो मैंने लाया नहीं, जैसे होता ना कि राजा सब कुछ इकट्ठा कर लिए, जब परछने चले तो मुसरी गायब, तो वही हमारा हाल है, सब मैं इकट्ठा कर लेती, धनिया ही नहीं था, तो मैं तुरंत रख के अब मैं चली गई खेत में, और धनिया लेकर आई हरी भरी, और धनिया चावल डाल के इसको मिलाऊंगी, चावल को मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद इसमें पानी डालूंगी, नहीं दाल, जो दाल था ना वो दाल डालूंगी, उसको भी मिलाऊंगी और पानी डालूंगी। मेरे पति जी बोलते हैं, हमको हमेशा डांटते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती सुनीता जरूर करती है, तो मेरे साथ आज मैंने वही किया, तो गंगा जमुना को मैंने अपने घर बुला लिया, तो बन की, और एक सीटी दनादन, मुझे देख के तो हमेशा ही सीटी देती है, काश मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ। और मैं फिर जाऊँगी खेत में मूली लाने के लिए, तो और देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा खेत, एकदम पीला हरा, ये लोग पतंग उड़ाएँ खिचड़ी की, ये तो जरूरी है, ये पता नहीं कहाँ मुँह खुलोले रहना हमेशा, इनका मुँह कब ना सही होला। और मैं धनिया काट रही हूँ, और इधर मेरा एकदम तैयार हो गया खिचड़ी, बहुत ही बढ़िया। और देखिए थोड़ा पानी हो गया, क्योंकि जल्दी था, अगर छोड़ दी होती ना उसमें कुकर में तो अच्छा से हो गया होता, तो जल्दी था, तो जल्दी 1 बज रहा था, तो खाना निकाली, और उसमें घी दही, और कितने लोग होते हैं तो चोखा चटनी बनाते हैं, तो हम नहीं बनाए चोखा चटनी, और मुझे बहुत भूख लगती, बच्चों बहुत मस्त, और हमारे यहाँ हमारे गाँव में रथ यात्रा निकला था, अयोध्या
राम मंदिर की खुशी में राम लक्ष्मण सीता पूरा जुलूस निकला था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। खिचड़ी दिन बहुत खुशी होती है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में हूँ या मायके में, मुझे किसी की याद नहीं। ससुरा से खिचड़ी आई ला, मेरा सब ससुरा से हमार सास इतना खिचड़ी भेजली है, लाई चिवड़ा बादाम पट्टी फूल गोभी तेलो आई ल, खाली एगो साड़ी ना देवे, बड़ी कंजूस है सास हमार। हमें सास माँ हट, ये हमार खिचड़ी आई ल, हम केहू के ना देवे, हट सास भेजली खिचड़ी।